एक बार फिर छोटू और आरती प्रेम कहानी का मामला गहराता जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है, आरती के प्रेमी छोटू के जितने भी हत्यारे थे सभी छूट गए, सभी को बेल मिल गया। सबसे पहले आप छोटू के पिता उमेश यादव की बातचीत सुने। हाँ नमस्कार उमेश जी। नमस्कार। हाँ देवेंद्र बोल रहा हूँ जनमंच न्यूज से। जी 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 प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है सब। और आपकी वाइफ कैसी हैं? सब ठीक है। अच्छा उमेश जी, ये आपके छोटू वाला केस में क्या हुआ है? तुम लोग का बेल हुआ है। जितने भी आरोपी थे सुने सब छूट गए हैं। जी जी सबका बेल हुआ है। सबका बेल हो गया है? जी। ओ तो फिर आगे क्या होगा इस केस में? आपका कुछ अपडेट है? अब आगे आगे गवाह होगा। गवाह होने का बाद फिर जो है उन लोग को फिर नोटिस आएंगे, फिर उन लोग हाजिर होंगे। बस यही आपके पास अपडेट है? जब वो पूरा परिवार छूटकर आया है जेल से बेल पर, उसकी तरफ से कोई दवा भी बनाया जा रहा है आपके ऊपर? नहीं नहीं कोई दवा नहीं अभी। और इस मसले पर आरती क्या बोल रही है? अब आरती आपके पक्ष में ही है ना अभी? जी आरती यही है ना। अच्छा, नहीं आपकी खबरें चल रही है, न्यूज पर आ रही है, सब जगह पर दिखाई जा रही है कि आरती जाएगी जेल, पूरा परिवार छूट गया आरती का। देखिए सर, आरती कैसे जेल जाएंगे वो आप बताइएगा ना। आरती को तो केस हम किए हैं तो हम उसके ऊपर थोड़ी कोई अथी लगाए हैं एप्लीकेशन। वो तो हमारे घर में आ गया, उनके वही आरती के कहने पर हम वहाँ पहुँचे थे, तब तो देखे हम। तो आरती कैसे फंसेंगे? अच्छा आरती तो देख करके उसके सामने में पकड़े थे, तब हमको फोन किया किसे, यहाँ छोटू को पकड़ लिया है, उसको मार रहा है, तब तो हम वहाँ पहुँचे। हम आरती को कैसे फंसाएंगे? नहीं हमें लगा बात कर लेते हैं आपसे, चूंकि खबरें चल रही है उल्टा पुल्टा आपको लेकर फिर से न्यूज पर आ रहे हैं। खबर वो जो है पटना का जो वकील साहब है ना, वो हाँ भारती, वही ऐसा उल्टा पुल्टा बात दे रहा है। अच्छा अच्छा पहले वो तो पहले भी ऐसा बोल रहा था। कोई दिक्कत नहीं ना आपको इनके चीजों से? उसका कोई दिक्कत नहीं सर, केस से कोई दिक्कत, केस से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम जल्द मुलाकात करेंगे आपसे, अगर इस बीच आपके तरफ आते हैं तो। ठीक है सर, आइएगा। जरूर जरूर जरूर। आप ठीक से रहें, अपनी वाइफ को ठीक से रखें आप, क्योंकि जब मैं मिला था तो आपकी वाइफ काफी बीमार थी। अब ख्याल रखें पूरे परिवार के, क्या कर सकते हैं। ठीक है उमेश जी, अपना जरूर ख्याल रखिएगा। ओके थैंक यू। जी हाँ, आपने साफ साफ सुना, छोटू के पिता उमेश यादव आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी उनको भरोसा है कानून पर। उनका साफ साफ कहना है छोटू के जितने भी हत्यारा है सभी को वो सजा दिलाएंगे। जो लोग भी अफवाह उड़ा रहे हैं आरती को जेल होगा, तो वो ये बता दे आखिर आरती जेल जाएगी कैसे। आरती खुद चश्मदीद गवाह है। आपको पता ही है आरती छोटू के भाई मोनू यादव से शादी कर ली। शादी इसलिए की थी ताकि छोटू को न्याय दिला सके। उमेश यादव आरती को इसलिए स्वीकार किए ताकि छोटू का केस कमजोर ना पड़े। और आज आरती मजबूती के साथ उमेश यादव के साथ खड़ी है। आरती आज भी डगमगाई नहीं है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब आरती का सामना आरती के परिवार वालों से होगा। क्या आरती अपने परिवार वालों को साथ देगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है, जितने भी छोटू का हत्यारा है सब छूट गया। जन्म से जुड़े रहें, आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद आपका।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।